चलिए, हमने इसके पहले के वीडियो में इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत टेबल और पिक्चर ऑप्शंस देखे थे। अब हम आगे देखते हैं क्लिप आर्ट। जब छोटी छोटी फाइलों को हमें डॉक्यूमेंट फाइल के अंतर्गत इंसर्ट करना होता है तो वो कहलाता है क्लिप आर्ट या छोटी छोटी क्लिप्स। तो एमएस वर्ड आपको प्री डिफाइंड क्लिप्स देता है जिन्हें आप अपने डॉक्यूमेंट में ले सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिप आर्ट को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये क्लिप आर्ट विंडो ओपन हो जाएगा जिसके अंदर सेलेक्ट कलेक्शन भी दे रहा है। तो यहाँ से न लेने पर यदि ये नहीं आते हैं फोटोग्राफ्स वगैरह, तो आप क्या करें कि ये ऑर्गेनाइज क्लिप को क्लिक करें जिससे ऑर्गेनाइज क्लिप विंडो ओपन हो गई। और यहाँ पर आप ऑफिस कलेक्शन को क्लिक कीजिए जिससे एमएस वर्ड के साथ में जितने भी ऑफिस इनबिल्ट हैं ऑफिस कलेक्शंस वो आ जाएंगे। और इन ऑफिस कलेक्शन में जो भी क्लिप आप डॉक्यूमेंट फाइल में इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे एनिमल्स हैं, आर्ट है, ऑटो शेप्स हैं, बैकग्राउंड है, बिल्डिंग है, तो उस क्लिप को आप ऐसे क्लिक करके रखें और ऐसे खींच करके माउस को डबल क्लिक या क्लिक से आप माउस को रखेंगे तो इसे खींच करके लेके आ जाइए और इसमें रख दीजिए। तो वहाँ से क्लिप आपके डॉक्यूमेंट में या वर्ड फाइल में इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो इस प्रकार से आप किसी भी क्लिप आर्ट को या क्लिप को, छोटी छोटी जो पिक्चर फाइल्स हैं उन्हें अपने डॉक्यूमेंट फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। हम हेल्प को क्लिक नहीं करते हैं, ये ऑफिस कलेक्शंस हैं और उन ऑफिस कलेक्शन के अंतर्गत ऑनलाइन भी आप क्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, पर वैसे भी आपको इसमें बहुत सारी क्लिप मिल जाएगी, तो वो क्लिप आप ऐसे क्लिक करके इसमें रख सकते हैं। तो ये था क्लिप आर्ट। और भी क्लिप आप इंटरनेट वगैरह से लेकर के उन्हें भी अपने डॉक्यूमेंट फाइल में ले सकते हैं, वो तरीका सेम इमेज को लाने के जैसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप प्रत्येक दिन का हमारा वीडियो एक के बाद एक क्रम अनुसार देखें, उससे आपको जो है कि एमएस वर्ड का या एमएस ऑफिस का पूरा ज्ञान हो जाएगा या नॉलेज हो जाएगा और आप घर बैठे ही इसे सीख जाएंगे। चलिए अगला है सेप। तो ये सेप्स हैं बहुत सारे, जो भी सेप आप लेना चाहते हैं, कई बार इनकी आवश्यकता लगती है डॉक्यूमेंट फाइल में, तो उसे आप इंसर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। इन सेप के साथ में इनकी फॉर्मेटिंग के पॉइंट ये दे रखेंगे जिससे आप इसको जिस भी डायरेक्शन में चाहें उसको मूव कर सकते हैं। और इन पर कोई कलर वगैरह भी चाहते हैं फॉर्मेटिंग लेआउट से इसमें दे रखे हैं। ये देखिए, जब आप क्लिप को इंसर्ट करते हैं तो उसके साथ में ये लेआउट्स डिज़ाइनिंग भी आ जाएंगे। जो भी इंसर्ट करते हैं आप इंसर्ट में शेप्स के अंतर्गत ये सारे हैं। एरो वगैरह की आवश्यकता लगती है आपको तो वो आप इसमें ले सकते हैं। जैसे इसमें भी इस एरो को मैनेज कर सकते, कस्टमाइज कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये पॉइंट दे रखा है, इससे आप इसको मैनेज कर सकते हैं और इनकी सेटिंग भी कर सकते हैं। इसमें भी कलर वगैरह दिया हुआ है, रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हैं, ये रोटेट का ऑप्शन दे रखा है। इसका भी साइज वगैरह विड्थ वगैरह आपको बढ़ाना है वो कर सकते हैं। कलर स्टाइल्स यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सारी दे रखी हैं, मल्टी कलर में आपको लेना है। ग्राफिक्स बहुत अच्छे से दिया गया है इसके अंतर्गत, अच्छा ग्राफिक्स आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये और भी सेफ है। इसमें लाइनिंग है, स्क्राइबेबल लाइन है, ये लाइनें आप ले सकते हैं। कोई भी नक्शा वगैरह आपको बनाना है तो वो नक्शा आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए ये बन जाएगा। और यदि इसको पूरे को मिला दिया आपने तो ये एक नई डिज़ाइनिंग में भी जो है कि कन्वर्ट हो जाएगा। हम फिर से लेते हैं इंसर्ट से शेप्स के अंतर्गत। ये स्क्राइबल लाइन भी है, एरो लाइन सामान्य लाइन भी हैं जिसे आप खींच सकते हैं, और ये कर्व लाइन भी हैं। इस प्रकार से आपको क्लिक करके और खींचना होगा।
जो भी ग्राफ, अभी हम प्रॉपर ऐसा नहीं बना रहे, हम सिर्फ सीखने के लिए। ये देखिए इसमें थोड़ा सा गैप रह गया, उससे क्या होगा कि आप उसमें कलर फिल कर पाएंगे। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट, शेप आउट आउटलाइन, जो आउटलाइन है उनका कलर वगैरह भी कर सकते हैं। इंटरनल शेप का जो कलर है वो यहाँ से भी फिल कर सकते हैं, जो भी कलर आपको फिल करना हो। शेडो इफेक्ट उनके अंतर्गत दे सकते हैं, किधर से शेडो देना है वो डायरेक्शन आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। ये देखिए चेंज हो रहा है, 3D पॉइंट आप उसका क्रिएट कर सकते हो। ये सारे 3D दे रखे हैं, ये देखिए। उनके कलर्स आप दे सकते हैं, ये देखिए 3D का जो बैकग्राउंड पैटर्न्स हैं, ये पीछे का शेप दे पाएंगे। और इस 3D लेआउट्स में कोई भी डेटा असाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप इसी पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडिट टेक्स्ट, अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है। हम दूसरे तरीके से उसको इंसर्ट करते हैं। हम इस पे टेक्स्ट लिखना भी देखते हैं। ये पोजीशन इसकी भी सेट कर सकते हैं, इस प्रकार से इमेज की पोजीशन आपने सेट किया था, ग्रुपिंग वगैरह, बैकग्राउंड पीछे सेंड करना है, ये सारी सेटिंग्स आप इसको मिले। और इसका भी डायरेक्शन आप सेट कर सकते हैं, ये देखिए ये रोटेशन, ये सब 3D सेटिंग के अंदर मिलेगा। उसका कलर हम दूसरा ले लेते हैं, कलर आप जो चाहें वो कलर ले सकते हैं। कलर लेआउट अच्छे से आप डिज़ाइन करेंगे, सेट करेंगे तो इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रोचक लगेगा इमेज या जो भी डायग्राम आपने बनाया है ना। तो डिपेंड करता है हमारे कलर सिलेक्शन पर कि हम किस प्रकार का कलर सेलेक्ट करते हैं, उससे इमेज अच्छे से उड़ जाएगी, थोड़ा इफेक्टिव होगा। तो इस प्रकार से ये बना सकते हैं। और ये जो पहले से ले बने हुए हैं, ये ए टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उसको ग्रुप करना पड़ेगा। ये टेक्स्ट जिस प्रकार से इस पर लिख पा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं। ये देखिए ये कर सकते हैं। तो कोई भी डेटा टेक्स्ट आप किसी भी डिजाइनिंग पर लिख पाएंगे, वो कोई इशू नहीं है, जो भी लिखना चाहते हैं आप। तो इस प्रकार से इंसर्ट के अंतर्गत जो शेप्स हैं, इसमें और भी मोर शेप्स हैं इस प्रकार के, कोई लोगो वगैरह। चलिए एमएस वर्ड के अंतर्गत हम ये चीज़ भी देख लेते हैं कि कोई लोगो आपको असाइन करना है तो वो भी आप असाइन कर सकते हैं शेप के माध्यम से। ये लोगो के लिए हम कोई स्टार्स ले लेते हैं, स्टाइल डिजाइनिंग है, इसका भी आप ये सेटिंग सेट कर सकते हैं। ये हो गया, इसके ऊपर हम एक और शेप इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट से शेप्स के अंतर्गत हम डेटा लिखने के लिए, उदाहरण के तौर पर स्कूल या कॉलेज का हमें लोगो बनाना है, ये हमने एक और शेप ले लिया उसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम कोई भी डेटा टेक्स्ट इसमें असाइन कर देते हैं, जैसे ज्ञानम परम बलम, मैं इसका फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम कोई भी डेटा इस पे लिख सकते हैं, और इसमें कोई इमेज लगाना है हमें, इसकी भी आप फॉर्मेटिंग आप कर पाएंगे, वो भी कोई इश्यू नहीं है। इसका भी ये पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट से ये देखिए, यदि आपको इसकी साइज बढ़ाना हो तो इस पॉइंट को पकड़ के खींच सकते हैं। इसका रोटेशन ऊपर करना है तो वो लगा सकते हैं, इसको इसके जस्ट सेंटर में ला सकते हैं। इसमें कोई इमेज वगैरह चाहिए तो आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे मिलेगा सेट जी, सॉरी फॉर्मेट ऑटो सेप्स, इसमें जाएं। इसमें कलर वगैरह सारे डिफरेंट हैं, डिफाइन है, कर सकते हैं आप अंदर का, लेकिन हमें कोई इमेज लगाना है क्योंकि हम लोगो बना रहे हैं। तो फिर
कलर में जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको सॉरी ये फिल इफेक्ट में दे दिया गया है। इसमें फिल इफेक्ट में जाएं, पिक्चर में जाएं, सेलेक्ट पिक्चर को आप सेलेक्ट करें, और जहाँ पर भी आपके पास जो भी इमेज है जिसे आप लोगो में असाइन करना चाहते हैं, निर्धारित करना चाहते हैं, वो इमेज आप ले लीजिए। उसमें हम देख लेते हैं हमारे पास जहाँ पर भी इमेज हो वो हम इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं उसमें। अभी हमारे पास कोई ऐसी अच्छी इमेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम जैसे सब्सक्राइब ना हो, यहाँ पर भी कोई जैसे बहुत सारे स्कूल में है तो बुकों की इमेज लगाते, पेन का इमेज लगाते हैं, तो वो आप इंटरनेट से ले सकते हैं। ओके कर दीजिए, आपने जो भी इमेज लेंगे वो इसमें आ जाएगा। यहाँ पर भी इसका कलर वगैरह डिजाइनिंग आप ले सकते हैं। जब इमेज यहाँ अच्छा लगाएंगे आप तो लोगों का जो स्टाइल है, लेआउट है, वो अच्छा दिखाई देगा। तो एमएस वर्ड में आप आसानी से लोगो असाइन कर सकते हैं। और भी यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं जिनकी आवश्यकता को लगती है। न्यू ड्राइव के अंतर्गत न्यू ड्रॉ कर सकते हैं आप, तो वो हमने अभी बताई भी था उसको, आप इस प्रकार से असाइन कर सकते हैं। सेव के बाद ऑटो सॉरी स्मार्ट आर्ट भी दिया हुआ है जिसके अंदर प्री डिफाइन है। जैसे ऑल के अंतर्गत यहाँ पर ऑल सारे ही लिस्ट का स्टाइल यहाँ पर दे दिया गया है, जो भी आप लिस्ट असाइन करना चाहते हैं। चलिए हम इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। मैं पहले जो है इनको डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट के अंतर्गत तो स्मार्ट आर्ट को हम देखते हैं। इसमें कोई भी आर्ट आपने लिया, जैसे लिस्ट वगैरह हमें बनानी रहती है तो वो आप बना सकते हैं। अभी इस लिस्ट में भी हमें जैसे पिक्चर यहाँ पर रखना है और उस पिक्चर के अंदर उसका डिटेल देना है। जैसे ये पिक्चर हमने अलग अलग स्टेट की हमने रख लिया, धार का है, इंदौर का है ना, और इनका डिटेल हमें यहाँ बनाना है। तो इस प्रकार की लिस्ट आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और जब ये लिस्ट बनती है तो इसका स्टाइल बाद में आपको चेंज भी करना है तो वो आप चेंज कर पाएंगे। जैसे यहाँ हमने इमेज लिया इंदौर का, और यहाँ पर हमें लिखना है इंदौर, ये तो एक अच्छा ग्राफिक्स डिजाइनिंग लेआउट एमएस वर्ड के अंतर्गत दिया है, जिसको आप जैसे अलग अलग इमेज भी यहाँ पर और भी अलग अलग ले सकते हैं। जैसे महापुरुषों का डेटा आपको तैयार करना है और उनकी फिर फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर एमएस वर्ड के अंतर्गत दी गई है। डिफरेंट डिफरेंट अच्छी 3D की फॉर्मेटिंग्स यहाँ पर दिए गए हैं। लेआउट को उठा करके आप ले सकते हैं, डिज़ाइनिंग स्टाइल्स शो करवा सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे दिया हुआ है। कलर भी आप इनका ले पाएंगे, ये स्टाइल भी आसानी से आप इनकी चेंज कर पाएंगे जो भी चेंज करना हो। ये देखिए ये पूरे चेंज हो चुके हैं, ये चेंज हो चुके हैं। और कलर आपको लेना है तो कलर यहाँ पर मल्टी कलर से यहाँ पे हैं, उन कलर को आप चेंज कर सकते हैं। ये सारे स्टाइल्स हैं। टेक्स्ट पेन के अंतर्गत लिख भी सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और वैसे डबल क्लिक करके भी लिखना हम ज़्यादा समझते हैं। इनको लेफ्ट राइट डायरेक्टली यहाँ पे मूव कर पाएंगे जो भी आप स्टाइल लेते हैं। जैसे हम ये स्टाइल लेते हैं तो लेफ्ट राइट इसको मूव करना है, ये देखिए। और कलर डिफाइन तो हमने अभी देखा ही था, बहुत सारे यहाँ पर कलर इफेक्टिव हैं। और रीसेट करना है तो उसको नॉर्मल तौर पर आप वापस रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत, और ये जो है कि 2007 और उसके बाद के वर्जनों में अच्छे से डिजाइन डेवलप किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रीडिफाइन पहले से स्टाइल हैं। देखिए ये इस प्रकार का, जबकि इसे बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, वहीं पर एमएस वर्ड आपको रेडीमेड प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आप सीधे आपको टेक्स्ट असाइन करना होगा और बस आपका सारा काम हो जाएगा। टेक्स्ट 3 को आप इसमें लिख दीजिए। जैसे हम कुछ कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये, और इनके बेनिफिट्स क्या है तो उनको हम बाहर दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से अंदर का भी लिख पाएंगे हम, इसका थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम जो है कि कोई भी डिजाइनिंग लेआउट ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं।
और बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन करवा सकते हैं। तो ये एमएस वर्ड जिनको काफ़ी लोगों को समस्या आती है इनको करने में कि कैसे करें, सीखने में थोड़ी परेशानी जाती है, तो वो हमारे वीडियो के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं। चलिए तो ये स्मार्ट हो गया। चार्ट भी यहाँ पर डिज़ाइन किया गया, डिफाइन किया गया है, जिसके माध्यम से आप चार्ट बना सकते हैं। चार्ट के लिए चार्ट को क्लिक करें और ये डिफरेंट डिफरेंट चार्ट यहाँ पे दिए गए, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है। अब चार्ट के अंतर्गत वैल्यू किस प्रकार असाइन करें तो हम देख लेते हैं। चलिए एक कोई सा भी चार्ट हम ले लेते हैं, कॉलम चार्ट हमने लिया, ओके किया, यहाँ पे चार्ट ये इंसर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर आपको सीरीज देनी होगी, जैसे हमें अपने प्रोडक्ट का 2015, 2016 और 2017 की सेलिंग पॉइंट हमें क्रिएट करना है। कैटेगरी, कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पे हमने डाल दिया आइटम्स हैं ये, और आइटम में क्या क्या है, माना कि सीडी हम बेचते हैं, सीपीयू हम बेचते हैं, माउस बेचते हैं, रैम हम बेचते हैं। तो इनके कितनी बिक्री हुई, माना कि 2015 में ये इसका रेशो 45 था, फिर ये 55 हो गया, फिर 65 या 64 हो गया। सीपीयू कितने बिके थे, ये मंथली भी हो सकता है, ज़रूरी ईयरली, जैसे हमें मंथली बनाना है कि जनवरी माह में हमने कितना बेचा, फरवरी में कितना बेचा और मार्च में कितना बेचा, तो ये भी हो सकता है मंथली भी। हमें कोई भी ग्रोथ पॉइंट कहने का आशय ये है, तो वो आप यहाँ पर क्रिएट करवा सकते हैं। कोई डाउन गया जैसे कि, तो ये आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ देंगे तो आप देखिए ग्राफ यहाँ पे तैयार हो जाता है, जिसमें ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, इधर मंथ आ रहे हैं, तो कौन से महीने में रेम का रेशो पूरा आ रहा है, कहाँ तक गया है। तो इस प्रकार से ग्राफ आप तैयार कर सकते हो, ग्राफ की पूरी फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर कर पाएंगे। जैसे ही आप ग्राफ लेंगे तो ग्राफ के डिजाइनिंग स्टाइल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, चार्ट का लेआउट से यहाँ पे दिया हुआ है, किस प्रकार का चार्ट आपको चाहिए। एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो डेटा को, तो एडिट डेटा को क्लिक करें। तो इस प्रकार से एमएस वर्ड के अंतर्गत बहुत ही अच्छे से आप अपनी कंपनी संस्था का चार्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट तक का हुआ है डेटा। इसके बाद आता है इंसर्ट हाइपरलिंक। कई बार हमें जब हम कोई बड़ी फाइल बना लेते हैं तो हमें उस फाइल के अंतर्गत किसी भी डेटा से संबंधित कोई अन्य डिटेल हमें अलग पेज में दर्शाना होता है, तो आप उसको लिंक कर सकते हैं। जैसे DF नाम की कोई फाइल है या DF का डिटेल जो है वो हमें कहीं किसी अन्य फाइल में है, तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट हाइपरलिंक को क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम उस फाइल को सिलेक्ट करते हैं जिसे लिंक करना है, जैसे हमें इस फाइल को जोड़ना है, डॉक्यूमेंट वन को हमें इससे लिंक करके जोड़ना है, तो ओके कर देंगे। अब देखिए इसे लिंक बन जाएगा, हाइपरलिंक हो जाएगा, और इसे ओपन करने के लिए हमें प्रेस करना होगा कंट्रोल, इसके ऊपर माउस ले जाने के बाद हम कंट्रोल के साथ में क्लिक करें। जब कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो वो फाइल जिसे हमने लिंक से जोड़ा है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो बहुत अच्छा फीचर हाइपरलिंक, जिससे हम एक फाइल से दूसरी फाइल को जोड़ करके रख सकते हैं। इसी प्रकार अगला आता है हमारा बुकमार्क। बुकमार्क भी काफ़ी उपयोगी हैं। कई बार क्या होता है कि जिस प्रकार से हम बुक पढ़ते हैं और बुक पढ़ते समय हमें कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट लगता है तो हम क्या करते हैं उसको कि अंडरलाइन कर लेते हैं किसी भी मार्कर से, पेंसिल से, पेन से। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट फाइल हमारी बड़ी फाइल है जिसके अंतर्गत काफ़ी पेजेस है, उसमें कोई डेटा इम्पोर्टेंट है और हमें उसे मार्क करना है, तो ऐसे हाईलाइट करेंगे तो कोई पहचान जाएगा, तो हम क्या करते हैं उसको बुक मार्क में जाते हैं और यहाँ पर उसका नाम देते हैं, जैसे वो IMP डेटा है तो हमने दे दिया उसको IMP, ठीक है, ऐड करेंगे। अब जब भी आपको ज़रूरत है, जैसे अभी सिलेक्ट नहीं है, अब उसकी ज़रूरत है कि वो बुक मार्क कौन सा है, तो आप बुक मार्क में जाएँ और यहाँ पर गो टू कर दीजिए, वो खुद सिलेक्ट करके बता देगा। तो इस प्रकार से MS वर्ड के अंतर्गत बुक मार्क एक अच्छा ऑप्शन है। साथियों कल हम अगले वीडियो में अन्य बहुत सारी चीज़ें जिसमें हेडर फुटर पेज नंबर और ये आगे की वीडियोस में हम देखेंगे, इसलिए हमारा आगे का वीडियो देखना न भूले, साथ ही साथ अपने साथियों तक
इसे शेयर करें ताकि डिजिटल इंडिया की जो बात कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ें और सभी लोग निःशुल्क जो है कि कंप्यूटर ज्ञान प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।